हम सभी कभी ना कभी तो स्कूल गए ही होंगे, क्योंकि स्कूल ही हमारी जिंदगी का वो पहला पड़ाव है जहां पर हम हर रोज नई चीजें सीखते हैं। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग नई चीजों का एक्सपीरियंस महंगे महंगे स्कूलों में करते हैं और कुछ नॉर्मल स्कूलों में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। पर आप चाहे जिस किसी भी स्कूल से पढ़कर आए हों, एक बात तो पक्की है, जिन स्कूल्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इस तरह के स्कूल में पढ़ने के बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले स्कूल्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप लोग पक्का हक्के बक्के न हुए तो कहिएगा। ट्रेन स्कूल इन इंडिया। दोस्तों, जब हम दुनिया के सबसे अतरंगी स्कूलों की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे भारत का नाम भी आता है, इसलिए सबसे पहले आप भारत के इस ट्रेन स्कूल के दर्शन कीजिए जिसे राजस्थान के अलवर में बनाया गया है। क्योंकि बच्चों और ट्रेनों का एक अलग ही तरह का रिश्ता है, हर बच्चा ट्रेन में बैठने के लिए काफी उत्साहित रहता है। यही कारण है कि अलवर में मौजूद इस स्कूल का पूरा कस्टमाइजेशन एक ट्रेन की तरह हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल नहीं बल्कि ट्रेन की डिब्बों में बैठने जा रहे हैं। स्कूल प्रशासन का ऐसा मानना है कि उन्होंने इस तरह की कस्टमाइजेशन टीचर और बच्चों के इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए किया है, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक अलग तरह का एक्सपीरियंस ले पाए। और अपने इस अनोखेपन से इस स्कूल ने काफी कम दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिसकी झलक आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। विच स्कूल। दोस्तों, अगर आप हैरी पॉटर के फैन हैं तो आपको इस स्कूल बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में बोथवेल स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट मौजूद है, जहां पर एक अलग ही तरह की दुनिया चला करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ आने वाले लोग अपने हाथों में छड़ी लेकर एक बेहद अनोखा एक्सपीरियंस ले रहे हैं। वैसे इस तरह का ये अकेला स्कूल नहीं है, जी हाँ, मैजिक की दुनिया से जुड़े हुए और भी कई स्कूल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर सब कुछ किसी फिक्शनल मूवी की तरह दिखाई देता है। ऐसे में अगर आप भी किसी जादुई स्कूल में जाना चाहते हैं तो ये जगह बाहें फैलाकर आपका स्वागत करती है। फॉरेस्ट किंडरगार्टन। दोस्तों, फॉरेस्ट किंडरगार्टन नाम का स्कूल बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है, जहां पर आपको 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चे पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ आउटडोर स्टडी ही करते हैं, फिर चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, इन्हें पढ़ने के लिए बाहर की दुनिया में ले जाया जाता है, ताकि हर रोज प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए चीजों को देख लें, उनसे सीख लें। इसी के साथ इस स्कूल में बच्चों को छोटी सी उम्र में जंगल के वातावरण में रहने, खेलने और सीखने का मौका मिलता है, जो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। वैसे इस तरह के आउटडोर नर्सरी स्कूल बहुत कम है, लेकिन जिन जिन जगहों पर है वहां पर बच्चों का काफी ध्यान रखा जाता है और उन्हें एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए इस तरह के आउटडोर स्कूल अब काफी जगह चलन में आ रहे हैं। लगता है हमारे भारत का गुरुकुल वाला सिस्टम अब पूरी दुनिया अपनाने वाली है। ऐसे में भारत से जुड़ी चीजें, फिर चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, और अब तो गुरुकुल की तरह पढ़ने वाला सिस्टम भी काफी चलन में आ रहा है। तो दोस्तों, आपका हमारी संस्कृति से जुड़ी चीजों का दुनिया भर में विस्तार होने के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। नेपाल स्कूल। दोस्तों, जिस तरह नेपाल में मौजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में इंसान की हालत खराब हो जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर रहने वाले अधिकतर बच्चों को स्कूल में बेसिक पढ़ाई के लिए हर रोज अपनी जान का खतरा मोल लेना पड़ता है। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की मुश्किलों से गुजरकर यहाँ के बच्चे कभी रस्सी के ब्रिज के सहारे तो कभी लकड़ी से बने बॉक्स में बैठकर स्कूल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, और ये इनका एक दिन का काम नहीं है बल्कि हर रोज इन्हें स्कूल आने जाने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। क्योंकि नेपाल सी लेवल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है, इस वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को मार्केट जाने से लेकर स्कूल जाने वाले बच्चों तक को रोज इसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कभी आपके घर में कोई बच्चा स्कूल जाने में नौटंकी करे तो उसे हमारी इस वीडियो को जरूर दिखाएगा, शायद उन्हें यह समझ में आ जाए कि स्कूल जाना कितना जरूरी है। फ्लोटिंग स्कूल, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज होती है उसका सबसे पहला असर बच्चों की पढ़ाई पर होता है, जिसका अंदाजा आपको महीनों से बंद चल रहे स्कूलों को देखकर लग गया होगा। पर बांग्लादेश में इस तरह की सिचुएशन आम बात है, इसीलिए बाढ़ के समय वहां पर बच्चों को फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाले स्कूलों में पढ़ना होता है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से नाव के ऊपर होती है और उसी में उन्हें सभी तरह की सुविधाएं भी दी जाती है, ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और प्राकृतिक आपदा की वजह से उनकी पढ़ाई रुके नहीं।
दोस्तों, इस स्कूल को खोलने वाले मोहम्मद रिजवान ये नहीं चाहते थे कि बच्चे किसी भी तरह का नुकसान झेलें। इसलिए 2002 में इन्होंने पहला फ्लोटिंग स्कूल खोला और आज ये 23 फ्लोटिंग स्कूल चलाते हैं जिसमें कई सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। क्योंकि बांग्लादेश बाढ़ पीड़ित देशों में से एक है, इसलिए इस तरह का सोल्यूशन काफी ज्यादा जरूरी भी था। ब्रुकलिन फ्री स्कूल, चलिए बच्चों के सबसे मनपसंद स्कूल में आपको ले चलते हैं, क्योंकि एक प्राइवेट डेमोक्रेटिक फ्री स्कूल है जिसमें अगर बच्चे चाहें तभी आए, वरना उन्हें स्कूल आने के लिए किसी भी तरह का फोर्स नहीं किया जाता। 2004 में शुरू हुआ स्कूल 4 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए है, जिसमें बच्चे आकर अपनी मनपसंद की चीजें सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी रोक टोक के। इस स्कूल में किसी भी तरह का ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है कि बच्चे एग्जाम देंगे तब उनको मार्क्स मिलेंगे और उसी हिसाब से उन्हें कैटेगराइज किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे सीखने के लिए आते हैं। अगर कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पर आकर टीचर द्वारा सिखाई गई चीजों को सीख सकता है। वैसे हमें पता है कि न्यूयॉर्क में बने इस स्कूल के बारे में सुनकर आप ये पक्का महसूस कर रहे होंगे कि काश ऐसे स्कूल में आप भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। रिवर प्लेट स्कूल, अर्जेंटीना। दोस्तों, क्या हो जब आपको दुनिया के सबसे फेमस फुटबॉल स्टेडियम में से एक में अपनी अधिकतर क्लासेस अटेंड करने का मौका मिले। क्योंकि रिवर प्लेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अर्जेंटीना के इस बेहतरीन स्टेडियम में अपनी पढ़ाई करते हैं और उनकी पढ़ाई की बेस्ट चीज यह है कि जब कभी भी इस स्टेडियम में प्रैक्टिस होती है तो उन्हें छुट्टी मिल जाती है। वैसे दोस्तों, एक बात तो है, स्कूल टाइम में छुट्टी मिलना दुनिया की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है ना। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। सांता क्लॉज स्कूल। हम सभी ये बात जानते हैं कि आज के टाइम में शौकिया तौर पर की जाने वाली चीजें अब लोग प्रोफेशनली करना शुरू कर रहे हैं और इस लिस्ट में सांता क्लॉज नाम भी आता है। जी हाँ, बच्चों के मनपसंद सांता क्लॉज बनने के लिए एक स्कूल शुरू किया गया है जिसमें लोग सांता क्लॉज बनने की पूरी ट्रेनिंग लेते हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से सांता क्लॉज बनने के बारे में बताया जाता है। अब सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन पहली बार हमने इस बारे में सुना तो हम खुद भी हैरान हो गए थे। लेकिन ये स्कूल वाकई में एग्जिस्ट करता है और अब तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं जिसमें लोग ऑनलाइन कोर्स खरीद कर सांता क्लॉज बनने की ट्रेनिंग लेते हैं ताकि क्रिसमस के टाइम पर कोई भी गड़बड़ी ना हो। स्कूल विद नो क्लासरूम और वॉल्स, स्वीडन। अब चलिए आपको स्वीडन के अतरंगी स्कूल में ले चलते हैं जिसे 2012 में शुरू किया गया था। और इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर आपको ना कोई दीवार मिलेगी ना ही कोई क्लासरूम। हमें पता है आप ये सोच रहे होंगे कि बिना क्लासरूम के भला कैसे स्कूल हो सकता है, लेकिन इस स्कूल को बनाया इस पर्पज के लिए कि प्राकृतिक चीजों को इंडोर एनवायरमेंट में फिट करके बच्चों को उससे सिखाया जा सके। इसलिए यहाँ पर केव सिस्टम से लेकर फॉरेस्ट और बाकी की कई सारी चीजों की एक झलक देखने को मिलती है। और यही वजह है कि इस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कभी भी ये नहीं कहता कि वो बोर हो रहा है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर हर एक एडवेंचर की चीज मौजूद है। जहाँ टीचर पूरे फोकस के साथ बच्चों को नई चीजें सिखाने के लिए एक्साइटेड होती है, ठीक उसी तरह बच्चे भी हर नई चीज को सीखने के लिए काफी उत्साहित लगते हैं। बिना क्लासरूम के बच्चे एक जगह ग्रुप में बैठकर आपस में भी चीजें सीखते और सिखाते हैं। और यहाँ के टीचर्स का ये कहना है कि इस तरह से बच्चों को उनके फ्यूचर और प्रोफेशनल लाइफ में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि उन्हें टीम वर्क करना पहले से आता होगा। डोंगजोंग केव स्कूल। दोस्तों, अब भला ये बात किससे छुपी है कि चाइना एक अतरंगी देश है और अतरंगी देश में आपको एक अलग तरीके का स्कूल भी देखने को मिलेगा जो कि पूरा गुफा के अंदर बना हुआ है। जी हाँ, इस स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई गुफा के अंदर होती है। यहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स का कहना है कि उनके लिए बच्चों को जियोग्राफी और बायोलॉजी पढ़ाना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि आसपास के वातावरण की वजह से उन्हें बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाने में काफी आसानी होती है। पर दोस्तों, गुफा में स्कूल होने की वजह से बच्चों को कई तरह की परेशानी भी आती है, लेकिन कोई और चारा न होने की वजह से उन्हें यहाँ पर पढ़ने आना ही पड़ता है। इन्हीं सब चीजों को देखकर चाइना की सरकार ने इस स्कूल को बंद करवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके देश की रेपुटेशन इस स्कूल की वजह से खराब हो। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे अतरंगी स्कूल। आपको इनमें से कौन सा स्कूल सबसे ज्यादा पसंद आया, उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए ना। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।